चलिए ये हमारा थर्ड बैच के स्टूडेंट हैं, DRDO स्किल टेस्ट के लिए आए थे। तो चलिए हम इन लोगों से ही जानते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट ट्रेनी जो हैं वो कहाँ से आए हुए हैं और किस चीज़ के लिए आए हुए हैं, किस पर्पज से आए हुए हैं, उन्हीं के उन्हीं से हम लोग ये चीज़ सुनते हैं। तो चलिए आप कहाँ से हैं? मेरा नाम आशीष कुमार मौर्य है। आप सर यूपी से प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से हैं, यहाँ DRDO टेक्नीशियन के लिए स्किल बिहार से हैं, ये भी DRDO पटना से हैं, DRDO स्किल टेस्ट के लिए आए मेरा नाम इतनी ज़्यादा पैसा यूपी से आया हूँ, मैं यहाँ पर DRDO स्किल टेस्ट के लिए आया हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अलग अलग स्टेट से यहाँ पे ट्रेनी आए हुए हैं जो कि स्किल टेस्ट के लिए आए हुए हैं, जो कि टिकट ट्रेड कर स्किल टेस्ट हम लोग कराते हैं। आप लोग को भी अगर स्किल टेस्ट करना है तो आप लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट संपर्क करके आप यहाँ पे स्किल टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। सभी अलग अलग स्टेट से, कुछ स्टूडेंट बिहार के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ वेस्ट बंगाल के हैं, राजस्थान से हैं, अलग अलग जगह से सबको यहाँ पे स्किल टेस्ट करने के लिए आए हुए। और ये तीसरा बैच है, इसके पहले दो बैच हमारा निकल चुका है जिसमें भी लगभग 40 स्टूडेंट करके था जो कि स्किल टेस्ट के लिए आए हुए थे। ये थर्ड बैच है, थर्ड बैच में भी किन्हीं को था जो और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रुके हुए थे, बाकी सारे लड़के कल शाम में निकल गए हैं। तो चलिए इन्हीं लड़कों के साथ हम कुछ टूल्स का एक डेमोंस्ट्रेशन करते हैं, बताते हैं और हम लोग आज के क्लास को इसी में ख़त्म करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये क्या है, इसके बारे में बताने से पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो स्किल टेस्ट हुआ इसमें सभी को सारा टूल्स देखने के लिए मिला कि नहीं मिला, या फिर जो स्किल टेस्ट कराया गया उनसे ट्रेनी संतुष्ट हैं कि नहीं, वो जो जिनके पास स्किल नहीं था यहाँ आने के बाद भी उनका स्किल अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, वो अच्छी तरह से सारा स्किल टेस्ट सीखे कि नहीं सीखे, हम एक बार इन लोग से क्वेश्चन करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये लोग अपना स्किल टेस्ट को अच्छी तरह से सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए। तो चलिए आप लोग अपना स्किल टेस्ट अच्छी तरह से कर लिए, किन्हीं को किसी तरह का दिक्कत जो नहीं सीख पाए, वो पैसा ले दिया गया, स्किल टेस्ट नहीं कराया गया, ऐसा किसी तरह का नहीं, जितना उम्मीद लेके आए तो उससे अच्छा स्किल टेस्ट आपको मिला कि नहीं? जी सर। ठीक है, आप लोग भी जो भी आएंगे इस वीडियो के माध्यम से आए या फिर किसी और ग्रुप से आए, यहाँ पे जो भी आएंगे सबको अच्छी तरह से स्किल टेस्ट दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिकली भी सारा चीज़ बताया जाएगा। अच्छा, सिर्फ प्रैक्टिकली बताया गया कि क्लास में थियोरेटिकली भी बताया जाएगा? तो आप लोग को भी थियोरेटिकली भी बताया जाएगा, प्रैक्टिकली भी बताया जाएगा, और प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, और बेसिक जो टूल्स हैं वो सब चीज़ के बारे में भी बताया जाएगा। तो चलिए आज वर्लियर क्लिप पर आप लोग देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे, उसके बाद इस क्लास को आज के लिए खत्म कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर हमारा क्या है, एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कोई भी चीज़ का हम जॉब होता है उसका क्या होता है, इंटरनल, आउटर या फिर डेप्थ, तीनों चीज़ को हम लोग आसानी से इसमें चेक कर सकते हैं। वर्नियर को हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सब में क्या होता है, डेप्थ अगर चेक करना है तो हमको उसका डेप्थ लेना पड़ता है। जैसे माइक्रोमीटर एग्जांपल लेते हैं, अगर उससे हमको डेप्थ चेक करना है तो हमको डेप्थ माइक्रोमीटर लेना होगा, अगर इंटरनल चेक करना है तो इंटरनल माइक्रोमीटर लेना होगा, आउटर चेक करना है तो हमको क्या करना होगा, आउटर माइक्रोमीटर लेना होगा। लेकिन वर्नियर कैलिपर हमारा एक ऐसा प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग तीनों एक ही चीज़ से चेक कर सकते हैं, तो हम लोग तीनों चीज़ को चेक करके देखते हैं। जैसे ये मेरा एंगल प्लेट है, हम इसका विड्थ को अगर हम लोग यहाँ एक
पहले इसको चेक करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं इसका आउटर डाया, हम लोग आसानी से इसमें चेक करते हुए उसको चेक कर पा रहे हैं, इससे चेक कर ले रहे हैं देख सकते हैं। अब हम लोग इसका इनर से चेक कैसे करेंगे उसको भी अगर सीखना है, जैसे इसमें स्लॉट कटा हुआ आप लोग भी देख पा रहे हैं, इस स्लॉट को हम लोग इस तरह से आसानी से इसमें आप लोग क्या करेंगे इनर वाले फेस को सेट करके हम लोग इंटरनल को इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप टेप, तो जैसे ये हैंडल प्लेट है अगर ये कितना डेप तक का है तो चेक करना, आप क्या करेंगे मूवेबल जो इस तरह से लेकर हम लोग आसानी से इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था वर्नियर कैलिपर का यूज। अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ये मेरा क्या हो जाता है फिक्स जॉ, दोनों क्या है मेरा फिक्स जॉ, ये मेरा फिक्स जॉ है और ये हमारा क्या है मूवेबल जॉ है। इसमें हमारा ये आउटर मेजरिंग निब्स है और ये मेरा क्या है इनर मेजरिंग निब्स, ये हमारा क्या हो जाता है लॉकिंग स्क्रू हो जाता है, ये पूरा हमारा जो है ये मूवेबल जो है। इसके साथ ये जो छोटा सा मूव करता है हमारा, इसका क्या नाम है हाइंड एडजस्टिंग यूनिट, क्या नाम है इसका हाइंड एडजस्टिंग यूनिट, और ये जिसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा ये क्या हो जाता है हाइंड एडजस्टिंग स्क्रू अपना, ठीक है हाइंड एडजस्टिंग स्क्रू, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाता है डेप्थ बार, और ये हमारा जो हो जाता है जो हमारा फिक्स जॉ के साथ जुड़ा हुआ हो तो ये क्या होता है बीम, ठीक है। तो बीम में हमारा दो ग्रेजुएशन बना हुआ है, कौन कौन सा हमारा एक ब्रिटिश सिस्टम है और एक मैट्रिक सिस्टम, कितना है ब्रिटिश और मैट्रिक। मूवेबल जॉ में भी हमारा एक ब्रिटिश में वर्नियर डिवीजन होता है, एक मैट्रिक में भी हमारा वर्नियर डिवीजन इसमें बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या था वर्नियर कैलिपर का कंस्ट्रक्शन और हम लोग उसका यूज को इसमें हम लोग देखें, ठीक है। तो इसी तरह से ऑर्बिट लिस्ट के बारे में बताया गया, वो भी हमारा चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर का लिस्ट हम कैसे निकालेंगे, वर्नियर आइडियाज का सभी चीज़ का उसमें वीडियो पहले से पड़ा हुआ और साथ ही साथ प्रैक्टिकल वीडियो भी पड़ा हुआ है। आप लोग को ये भी देखना है कि इस ग्रुप में कितने लड़के आए थे, उसका भी एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है जो अपलोड हो जाएगा, वो भी वहाँ से देख सकते हैं कितने ट्रेनिंग एक साथ इसमें स्क्रीन टेस्ट करने के लिए आए, ठीक है। तो ये भी करते हैं, जो आप लोग को हम इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहें आप लोग के पास अच्छी तरह से ये मैसेज पहुँच गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। आप लोग का कंप्लीट हो गया, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बोल सकते हैं, कोई टूल सपोर्ट नहीं जाने वो भी चीज़ अगर बताएंगे तो बोल सकते हैं, आप लोग पूरा थोड़ा सा बता उस चीज़ का जानकारी, ठीक है। बाकी लेथ मशीन वगैरह का जितना इन्फॉर्मेशन है वो भी लेथ मशीन का सारा वीडियो बना जितना वहाँ पे लगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारा ये DRDO का स्किल टेस्ट है वो किस तरह से होने वाला है, क्योंकि हर बार 2 घंटे का होता था, इस बार टाइम 1 घंटे का था, तो हम ये चीज़ बताना चाहेंगे DRDO का जो इस बार स्किल टेस्ट होने वाला है, आप लोग जब स्किल टेस्ट हो जाएगा तब बताइएगा हम सही बताए थे कि गलत, इसी वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइए इस बार का जो DRDO का स्किल टेस्ट होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है। आप लोग प्रोजेक्टर में बहुत सारा टूल्स रहेगा, 1x1 टूल्स प्रोजेक्टर में दिखाया जाएगा, हम अभी स्किल टेस्ट होने से पहले बता रहे हैं, स्किल टेस्ट के बाद भी हम वीडियो में आके बताएंगे कि जो हम बताए थे वो आया है कि नहीं। जैसे वर्नियर के लिए पर ये टूल्स आपको प्रोजेक्टर में शो होगा या फिर आपके सामने रखा हुआ रहेगा टेबल, आपको कॉपी दे देगा एक सिंगल पेज, उसमें आपको इसका नाम लिख देना, जैसे 20 लड़का एक बार में स्किल टेस्ट के लिए दिया, सभी लड़के को अलग अलग बैठाया जाएगा, प्रोजेक्टर में दिखा देगा या फिर सामने हाथ से टूल्स दिखाएगा, आपको उसका नाम बताना, ऐसे कम से कम 10 से 15 टूल्स का पहले नाम देगा, वो 15 मिनट का टाइम देगा, 15 मिनट ये ले लेगा, उसके बाद 45 मिनट जो बच जाता है 15 मिनट दे देगा प्रोसीजर, एक वर्कपीस का दे देगा ड्राइंग, उसका प्रोसीजर लिखने के लिए दे देगा, वो 15 मिनट में आप लोग को लिख के उसमें सबमिट करना होगा, उसके बाद आधा घंटा बचेगा, तो आधा घंटा में आप लोग को अधिक से अधिक कोई भी वर्कपीस दे देगा, एक फिक्स डायमेंशन दे देगा जिसमें आपको क्या करना है उसको एक स्क्वायरनेस बनाने के लिए दे देगा, राइट एंगल बनाने दे देगा या फिर स्ट्रेट कटिंग प्रैक्टिस उसमें चेक कर लेगा, आप स्ट्रेट कटिंग कर पाते हैं कि नहीं, स्ट्रेट फाइलिंग आप कर पाते हैं, या फिर कोई भी वर्कपीस जितना कंप्लीट लेंथ में बनाना है वो आप उतना कंप्लीट डायमेंशन में बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, यही चीज़ बेसिकली आपसे वो क्वेश्चन करें, ये चीज़ अभी हम बताएं, आगे भी आप चल के देखिएगा। और इसके लिए सबसे अच्छा है जो भी आप लोग के पास बुक है ट्रेड बुक है उसको कुछ नहीं करना है, जितना टूल्स है सारा टूल्स का पिक्चर देख के दिमाग में बैठा लेना और उसका नाम, ये फिक्स है आप लोग को देगा, क्योंकि 1 घंटे में जितना स्किल टेस्ट कुछ और नहीं होता है,
फिटर टर्नर वगैरह अदर ट्रेडर तक मशीन में ऑपरेशन करा के देख लेगा। अभी आप लोगों को कुछ नहीं देगा, बेसिक स्किल जितना सीखे वही प्रैक्टिस के लिए देगा, और ज़्यादातर टूल्स दिखा के उसका नाम पूछेगा। टूल्स में भी ज़्यादातर हमारा DRDO है, वो फोर्जिंग टूल्स जितना है हमारा उसको देख लेना है, उसके साथ साथ सीट मेटल वर्क का ज़्यादातर देख लेना, और मटेरियल यहाँ से ज़्यादा वो क्वेश्चन उठाएगा। DRDO का ज़्यादातर सीट पे वर्क, जैसे हम लोग का लेवल ITI का है, वहाँ पर हम लोग को कोई आविष्कार करने के लिए नहीं देगा, हमको उसका ढांचा ही बनाना है, इससे ज़्यादा ITI वाले का काम नहीं रहता। तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादातर सीट में वर्क में काम कराएगा। सीट मेटल का टूल्स का जानकारी आपके पास है कि नहीं, वेल्डिंग वगैरह का जानकारी है कि नहीं, वो सब बेसिक टूल्स दिखा के आपको नाम पूछ लेगा। जिसको पता होगा वो स्किल डिस्क्वालीफाई करेगा, जिसको नहीं पता होगा वही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बस इसी तरह का इस बार का स्किल टेस्ट होने वाला है। कुछ एक लड़के का और एक घंटे का हुआ, दूसरा कोई चीज़ का उसका एग्जाम था, उसमें किसी तरह का स्किल टेस्ट, उसी के बेस पर हम बोल रहे हैं, बाकी कोई सेटिंग है उसके आधार पर हम बता रहे हैं पहले से कि यही चीज़ है। ठीक है, ये भी चीज़ वीडियो हम जिक्र कर देंगे, नहीं तो क्या होता है कभी बार सेम हो जाता है, लगता है आपको कैसे पता था इसका मतलब सेटिंग की होगी, कोई सेटिंग नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक स्किल टेस्ट के लिए अमित नाम का लड़का आया हुआ था, उसका स्किल टेस्ट हुआ, प्रोजेक्टर में 15 टूल्स दिखाया, सब लड़के को एक एक बेंच में बिठाया था, सबसे उसका नाम पूछ लिया, अपना नोट डाउन किया, उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए गया, राइट एंगल बनवाया, कटिंग कराया, स्किल टेस्ट प्रोसीजर लिखवा दिया, तो वही उसी के आधार पर बता रहे हैं आप लोग का भी वही करेगा, क्योंकि आप धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं, तो आपका कम वर्क करा के आपका